कद्दू के पेड़ में आज हमारे 3 पत्ते आ गए हैं। वैसे जगह तो हिमालय दर्शन वाली है और यहाँ से तो पूरे रानीखेत के दर्शन हो गए। और क्या गजब का व्यू है यार, गजब। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं भरत गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड के कनलगढ़ घाटी से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत होगी है और आज मैंने लगा दिया है अपने खेतों में पानी। अब एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हैं खेतों में पानी यहाँ पे, और धीरे धीरे खेतों में भी मेहनत रंग लेके आ रही है। जो बीज लगाए थे वो अंकुरित हो गए हैं, उगल भी हो ही रही है यहाँ पे, धीरे धीरे उग रही है। ये कद्दू के पेड़ में आज हमारे 3 पत्ते आ गए हैं और शिमला मिर्च भी साइड से उगने लगी है। ऊपर का तो सब सॉल ने खा दिया था और टमाटर के पेड़ ने भी हमारी जड़ पकड़ ली है, तो अब हरा दिखने लग गया है। पहले तो पीला हो गया था, मुरझा गया था पेड़। अब मैं भी चलता हूँ घर की तरफ, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अपने दुकान की तरफ। पहाड़ी किचन में अभी श्रीमती जी का नाश्ता हो रहा है। गुन्नू तो बाप रे खतरनाक हो रही है आजकल, कहना कम मान रही है, बर्बाद ज़्यादा कर रही है। नाश्ता भी हो गया है तो अब लग गए हैं रास्ता। हमारे ना इस वाले शहर में ये जो सामने दिखाई दे रहा है जहाँ हमारे खेत हैं, ये यहाँ भी हो गए हैं गेहूँ। एक दो दिन के बाद ये सब समेट लिए जाएंगे। और इधर स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, मंकू और दीक्षा। कैसे कैसे भाग भाग के आ रहे हो भैया, गाड़ी मिलते ही है। तो बढ़ाते हैं सबको और चलते हैं स्कूल की तरफ। अब चलो जी, हाँ ले आओ ले आओ। तो ये बच्चे आए हैं स्कूल में। अभी दुकान के काम हो गए हैं, मुर्गी को चारा हरा जो देना था दे दिया है, पानी भी दे दिया है, तो ये अपने आप चारा करेंगे। और मैं जा रहा हूँ आज बुकिंग में, तो कहाँ जा रहे हैं वो चलेगा, चलते चलते पता चलेगा आपको। और फिलहाल तो यहाँ से बागेश्वर को पहुँच गया हूँ अभी घर, यहाँ पे तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं आगे को, आज कराते हैं आपको पहाड़ों की सैर। तैयार होके अब निकल पड़े हैं फिर पहाड़ों की सैर की ओर। अभी गाड़ी में डाल रहे हैं फिर तेल, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूल के लिए। अभी घर से जो सवारी बैठा के लाया था ना, उनका स्टॉप यहीं पे है, बागेश्वर पहुंच गए हैं। और आज ना कल से थोड़ा सा कम है भीड़, और आज मंगलवार भी है, शादियों का लगन भी चल रहे हैं, तो हो सकता है लोग शादियों में गए हों। इन खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए दोस्तों, अभी हमने भी कर लिया है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पार, और यहाँ से लग जाता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आज जा रहे हैं दोस्तों रानीखेत, और आज ले जा रहे हैं सरदार साहब को रानीखेत। ताई जी बोल रहे हैं मेरे को मन निकालना, अंकल को निकालना, ताऊ जी को निकालना, तो चले तो बढ़ते हैं आप, और दिखाते हैं आपको आगे को खूबसूरत नज़ारे। यहाँ तक तो आपने देखे ही हैं, अब सोमेश्वर अल्मोड़ा रानीखेत ये दिखाते हैं। चला फिर, यहाँ पर ना इस रोड की हालत बड़ी खराब है, ये वाली डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के रोडों का ये हाल है, तो न जाने कब सही होंगे ये, तो उम्मीद करते हैं जल्दी हो और हमें गाड़ी चलाने में आसानी हो। बाया गैरसेना सोमेश्वर जो है ये 29 किलोमीटर है, और बाया गरुड़ कौसानी होते हुए आते तो वो कितना किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर के आसपास। हाँ 50 किलोमीटर, कम से कम 20 किलोमीटर का फर्क पड़ता है यहाँ से, ये वाली रोड से, गैरेचिना से। और जब भी मेरे को जाना होता है तो मैं तो इसी रोड को प्रेफर करता हूँ, थोड़ी सी खराब है 5-10 किलोमीटर, तो आराम से चलाना पड़ता है। बाकी तो गाड़ी की आवाज़ तो बड़ी भयंकर वाली आ रही है अभी, खड़खड़ 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 वाली। लगा
चिकन का सीजन चल रहा है ना, चारों तरफ बराती बरात, अभी तो दो ही बरात मिले हैं रास्ते में, और रोड से हट भी नहीं रहे बेचार। टिगरा, और गांव का नाम है टिगरा। सत्ताईस किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है फिर अभी, और पहुंचने वाले हैं अब सोमेश्वर। 29 किलोमीटर है बागेश्वर से सोमेश्वर, बाया गैरेचिना। थोड़े से 5-7 किलोमीटर रोड खराब है बीच में, और बाकी सही है। और रास्ते में ना आजकल बरातें बहुत मिल रही हैं, अभी तो और भी मिलने हैं। फाइनली पहुंच गए हैं अभी सोमेश्वर मेन मार्केट में। सफर में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ लोध, और यहाँ के बारे में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है अभी, जो सिद्धार्थ साहब बैठे हैं बगल में उनने बताया। हमारे पुराने जो जागरू में थे ना भगवान, जहाँ झूला खेलते थे वो ये हैं, और यहाँ पे मेला होते हैं। बैसाखी के दिन यहाँ पे मेला हुआ था, तो अगले बार कोशिश करूँगा कि उस टाइम पे आऊँ, जो यहाँ पे नज़ारे रहते हैं उस टाइम के, तो उनसे रूबरू कराऊं मैं आपको। ये है दोस्तों लोध का एक खूबसूरत व्यू, और ठंडी ठंडी हवा चल रही, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हो रहे हैं पहाड़ों के। और आज इस ब्लॉग के माध्यम से एक नई जगह आया हूं, और मेरे को भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि मेरे को ऐसी ऐसी जगह भी उत्तराखंड में है, और जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये था दोस्तों मेरे द्वारा दिया गया लोध का छोटा सा वर्णन, जो कि मेरे को जितनी नॉलेज थे वही मैंने बताई, और जैसे जैसे मेरे को और नॉलेज मिलेगी इस एरिया के बारे में तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल 2 घंटे गाड़ी चला के थोड़ा सा थकान भी हो गई है, और अब करते हैं चाय नाश्ता, और यहाँ पर चाय पानी का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर पीते हैं चाय, गर्मा गर्म चाय रेडी है, और ये है भाई लोध का पीछे, जहाँ हम होटल में खाना खाया ना हमने, ये पीछे का एरिया है यहाँ पे। तो अभी चाय नाश्ता करके अब चलते हैं भाई आगे को सफर में बढ़ते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुँचना भी जरूरी है अब, तो टाइम से पहुँचते हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अभी पहुँच गए हैं बगवाली पोखर, और ये जो सुंदर सी मार्केट पहाड़ों की गोद में, ये है बगवाली पोखर की मार्केट। इन ऊंचे नीचे खूबसूरत पहाड़ों को पार करते हुए फाइनली अभी पहुंच गए हैं रानीखेत के मार्केट में, और जो ये है ना ये पूरी रानीखेत की मार्केट है, और भीड़ भाड़ भी है ही ठीक ठाक है, उतनी ज्यादा तो है नहीं ना? आगे पीछे पूरा जाम। अबे कहीं साइट में लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको एक खूबसूरत नज़ारा, एक खूबसूरत पहाड़ों की रानीखेत। वैसे रानीखेत तो मैं आया हूँ, लेकिन गाड़ी लेके फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ हूँ, और उतना मेरे को रानीखेत के बारे में नहीं पता। जब कभी भी आया तो बस के रास्ते आया, बस जहाँ जहाँ लेगी वहीं को चल दिए, और उतना नॉलेज है नहीं, तो देखते हैं पता करते हैं, मिलते हैं किसी और से, तब जाके जो भी पता चलता है और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं ना? और कुछ इस तरीके से हो रहे हैं नज़ारे रानीखेत के अभी। ये है दोस्तों सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत, जो सामने दिखाई दे रहा है, और सामने वहाँ पे चल रही है तैयारी, चल रही है शायद रंग रूट की चल रही है, क्या चल रही मेरे को भी नहीं पता। और यही
माल रोड बोलते हैं शायद इसको, माल रोड है ये। और अभी मैं भी चल रहा हूँ ऊपर को, और ऊपर से दिखाते हैं नज़ारे और ऊपर जाके, वो देखते हैं क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता। हाँ पहुँचा हूँ दोस्तों हिमालय दर्शन वाली जगह पे, लेकिन कोहरा बहुत है, आज मौसम साफ नहीं है, धुंध छाई हुई है इसकी वजह से। वैसे जगह तो हिमालय दर्शन वाली है, और यहाँ से तो पूरे रानीखेत के दर्शन हो गए। और क्या गजब का व्यू है यार, गजब गजब गजब, हाँ जबरदस्त। लवी भी आधा ही रानी के दिख रहा, कहाँ दूर दूर तक गांव दिख रहे हैं यहाँ से। और ये धुंध नहीं होती तो शायद नज़ारों का आनंद ही कुछ और होता, पर धुंध बहुत होने की वजह से, जंगलों में आग लग रही ना आजकल, इसकी वजह से ये धुंध छाई हुई है। वैसे कोहरा नहीं है और बादल भी नहीं है, खाली धुंध है। तो कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों रानीखेत के नज़ारे अभी दिन के टाइम। अभी ना दोस्तों मेरे को पता चला है कि मैं रानी झील के बिल्कुल करीब हूँ, और यहाँ से मुश्किल हार्डली 2 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलते हैं रानी झील दिखा के ले आता हूँ मैं अभी आपको, और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा है, देखते हैं कैसा है क्या है, झील है नहीं है। तो आप पहुँच गया हूँ दोस्तों अभी रानी झील छावनी परिसर रानी खेत। अभी तो ताला लगा है यहाँ पे, अंदर जाने की परमिशन है नहीं, आजकल बंद कर रखा है, न मालूम क्यों, किस रीजन से बंद कर रखा है मेरे को भी नहीं पता। और ये है रानी झील का नज़ारा, और सामने हिमालय पर्वत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बादल है। तो कहीं आप समझे कि हिमालय पर्वत दिखा दिया है, वो हिमालय पर्वत नहीं है दोस्तों, वो है बादल। तो घूम रहे हैं अभी, और मौसम ना अल्टीमेट लेवल का हो रखा भैया, मज़ा आ गया मौसम का, जबरदस्त जिंदाबाद वाला मौसम हो रहा है। पहाड़ों में घूमने की जगह ढूंढ रहे हो ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैं भी इसे भी बोलूँगा, सुकून वाला, नो ट्रैफिक, नो टीटा, नो हसल। और सुविधार साहब आगे आगे घूम रहे हैं, और वो 8 साल यहीं रहे हैं, और ये पूरा आर्मी इलाका है सारा छावनी परिसर के अंदर। ये ठंडी रोड है ये, अच्छा ये ठंडी सड़क, रानीखेत की ठंडी सड़क ये वाली है। जाड़ा हो रहा है, सचमुच जाड़ा हो रहा है यहाँ पे। अभी इधर उधर काफल के पेड़ भी मिलेंगे, काफल पकेंगे फिर जाएंगे काफल तोड़ने के लिए। अभी तो हम घूम रहे हैं ठंडी सड़क पे, जाड़ा हो रहा है यार। यहाँ ना बुरास भी फूले हैं, फाइनली मिले बुरास के फूल, टुक में भी है सब टुक। सुविधा बोले टुक में भी है, बोर्ड के टॉप में भी है। और सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी स्कूल, आर्मी का ही हुआ आर्मी स्कूल। और ये पूरी एरिया जो है वो आर्मी वाली है, यहाँ पे सिटीजन कोई नहीं है। अभी आर्मी वाले है ना, तो सुबेदार साहब को सब पता है यहाँ के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में, 8 साल यहाँ गुजारे, मतलब जो रंग रोड आते थे ना उनको सिखाते थे सुबेदार साहब, अब तो रिटायर हो गए हैं, और तभी मेरे को भी ले आए हैं यहाँ घुमाने के लिए, और इसके बारे में बता रहे हैं। ये तो काफ़ी पहले बंद हो गया था, पहले से रौनक हुआ करती थी यहाँ पे, अब पानी भी थोड़ा सा ख़राब हो गया शायद, ये पत्ते सब इसी में सड़ गए, सफाई हुई नहीं झील की, तो इस वजह से शायद बंद किया हो ये। और इधर आ गया दोस्तों नर्सिंग ग्राउंड, इसमें सब बने हुए हैं खेलने के लिए उच्चतम सुविधा के, आर्मी से रिटायर्ड है, अगर ये यहाँ पर रहना चाहे तो ये वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग तो यहाँ पर रह सकते हैं, जैसे सिंगल है तो ये वाली में, अगर फैमिली के साथ है तो आगे वाली में, ये ना। अभी ना हम लोग बिल्कुल हिमालय के करीब हैं, हिमालय के इतने करीब ना, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, बस इस मौसम में आप जैकेट भी पहन सकते हो शाम के वक्त, अभी नहीं, अभी तो गर्मी लग रही, चल रहे हैं ना पैदल पैदल, गाड़ी वो नीचे लगाई है और अभी पैदल पैदल चल रहे हैं। पूरा आर्मी एरिया, और कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर हुआ ना यहाँ, हाँ यहाँ पे हुआ कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर इस तरीके से। और हवाएं देखो भैया क्या जोरदार है, और वो सामने दिखाई दे रहा है आर्मी का मंदिर, मन कामेश्वर, मन कामेश्वर मंदिर, यहाँ पे है TRC सॉल फैक्ट्री। और वैसे ना अगर आपको
रानीखेत घूमना है एक्चुअल में ना, सब पता करना है, तो एक्स आर्मी मैन उनके साथ आ जाओ, आपको सब पता चल जाएगा क्या क्या है। ये है सॉल फैक्ट्री यहाँ रानीखेत की यहाँ पे, और ये है दोस्तों चौबटिया रोड। चौबटिया रोड बाबरे क्या जबरदस्त तरीके से लेके जा रहे हैं, डर लग रही। और जो ये सब रोड दिख रही है ना, ये आर्मी की रोड है भैया, यहाँ पर पुलिस नहीं लगती, सेना पुलिस लगती है। यह है आर्मी की चौकी है यहाँ पे, इस तरीके से। जय जवान जय किसान। और चले हैं अभी नीचे को, थक भी गए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब अगली बार जब मैं आऊँगा ना रानीखेत, तो इससे भी अच्छी नॉलेज लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर जानकारी दे सकूँ। हमारे पास जो आज के गाइड है ना, भगवत सिंह गढ़िया, मेरे नाम के, देखो मेरे नाम वाले इतने अच्छे होते हैं, बी नाम से जो भी होते हैं अच्छे होते हैं, सब जानकारी दे देते हैं। हाँ, भगवत सिंह गढ़िया बिरादर, और हमारे बिरादर। तो फाइनल दोस्तों अभी आ गया है दाल मखनी और रोटी, तो दिखने में अच्छी लग रही है, तो खा के टेस्ट करके खा के बता दूँगा आपको कैसी है। तो खा लिया फिर दाल मखनी और रोटी, टेस्ट ठीक था, ठीक ठाक एवरेज। अब तो मार्क कितना होना चाहिए था उतना नहीं, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। वैसे मैंने पूछ ही नहीं कितने हैं, देखते हैं कितना बिल पेमेंट करते हैं अब, और चलते हैं अब आगे को, देखते हैं और कहीं एक्सप्लोर करने का और मौका मिलता है तो और दिखाता हूँ आप लोगों को। और फिर उसके बाद तो शाम को तो घर ही जाना है वापस। और एक सब्सक्राइबर मेरे आज और बढ़ गए हैं, सिद्धार्थ साहब, वो मेरी ही वीडियो देखने में लगे हैं अभी। चलो घूमते घूमते आ गए हैं सुभाष चंद्र बोस चौक, सुभाष चौक, ये है सुभाष चौक। और यहाँ मार्केट में ना गांधी चौक, सुभाष चौक, सब चौक ही चौक है। और यहाँ पे बैठने का काफी अच्छा बना रखा है ठंडी हवाओं के साथ। और सामने बस स्टैंड, यहाँ से आपको मिल जाएंगे बागेश्वर, जहाँ भी जाना है आपको, बागेश्वर, अल्मोड़ा है, ये केमू, केमू बस स्टैंड है ये वाला, कुमाऊं, गढ़वाल सब के लिए बस सर्विस मिल जाएगी। और एक तो आ गई है हल्द्वानी से बस, और भैया ये है केमू ऑफिस, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला रानीखेत का केमू ऑफिस। और यहाँ पे ना पुरानी बिल्डिंगे है, नई बिल्डिंग नहीं है, और छावनी परिषद की परमिशन लेनी पड़ती है इन बिल्डिंग तोड़ने के लिए भी। फिर से वापस चलते हैं, और नज़ारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा रहा, घूमने लायक ना। आप जितना घूमोगे ऐसे ऐसे पूरा जितना घूमोगे उतना कम है इधर। और नियर सुभाष चौक के ना तहसील रानीखेत भी है, यहाँ ऊपर तहसील ऊपर है। आसपास घूम के अभी आ गया हूँ गाड़ी में, और अब यहाँ पे वीडियो एडिट करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाए, और नहीं तो उसके बाद लेट हो जाती है। तो लगते हैं अपने काम पे आप वीडियो एडिट करने के। अभी हो गया है फिर यहाँ का काम, अब नीचे जिनको लाया हूँ उनको बैठाते हैं और फिर चलते हैं बागेश्वर की तरफ। और टाइम भी काफी हो गया है, 6 यहीं बज गए हैं, और देखते हैं कितने बजे तक बागेश्वर पहुंचते हैं। वैसे भी 2.5-3 घंटे का रास्ता है यहाँ से बागेश्वर का। चलिए जी अब निकल पड़े हैं फिर यहाँ से। जय हो भरत, यहाँ है पूरा ट्रेनिंग सेंटर, ये चर्च है ये। अच्छा यहाँ पे चर्च है सामने, और ये कुमाऊं रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर यही है ये। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ गगास, और गगास वैली रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, खाना खाते हैं फिर उसके बाद चलेंगे बागेश्वर के, सीधे मिलते हैं अब इसके बाद बागेश्वर। अभी दोस्तों 11 बज गए हैं और मैं भी पहुंच गया हूँ घर पे, तो फाइनली
कुछ इस तरीके से साथ आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।